रहा है, कोई चिल्ला रहा है वहाँ। ए डरपोक, ये मेरी फोन का रिंगटोन है यार। शे, कोई ऐसा रिंगटोन रखता है क्या? अच्छा छोड़, ये बता मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? ये माहौल देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है यार। चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं, चल। क्या यार तू भी पागल जैसे मत कर। इस हवेली का इतिहास बहुत ही रोमांचक है, मैं तुझे बताती हूँ। ओहो, मुझे नहीं सुनना बाबा। तुझे सुनना ही पड़ेगा। इस हवेली में कई सालों से एक अगोरी रहता था। वो छोटे बच्चों की बलि देकर शुत्र पूजा करके प्रेत आत्माओं को अपने वश में करता था। एक रात पूजा करते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई। जो आत्माएं उसके वश में थी उन्होंने उसकी बलि ले ली। उसने प्रेत आत्माओं को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। ये कहानी मैंने गांव वालों से सुनी है लेकिन इसमें सच कितना है और झूठ कितना है ये मुझे जानना है। अगर लक रहा तो भूत का हम लाइव इंटरव्यू ले सकते हैं। चलो, हम कोई बड़े सेलिब्रिटी या मूवी स्टार से मिलने थोड़ी जा रहे हैं जो इंटरव्यू लेंगे। मुझे स्टार से ज्यादा भूत देखना है यार। लाइफ में एक बार तो मैं भूत से मिलना चाहती हूँ, ये मेरा मिशन है यार। ओ मेरी माँ, छोड़ दे यार, मुझे यहाँ से जाना है। मैं हूँ ना यार, डरती क्यों है, चल ना। तू है उसी का तो डर है। हे अनु, लगता है वहाँ कोई है। कोई नहीं है, चल चल आजा। ये क्या है? क्या हुआ अनु? नहीं यार, चल चलते हैं। पल्लू, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ, ऊपर से तूने रोना शुरू कर दिया है। पहले तो ये रोना बंद कर। मैं कहाँ रो रही हूँ यार? फिर कौन रो रहा है? चल देखते हैं। चल चल यहाँ से चलते हैं। प्लीज चल ना, चल। लगता है कोई हंस रहा है। कोई नहीं है यार, चुपचाप चल। Yeah.
छोड़कर बच जा, प्लीज मुझे छोड़कर बच जा, मुझे अनु, माँ, क्या हुआ माँ? और क्या होगा, रोज रोज भूतों के फिल्म देखकर सोती है, सुबह उठकर भूतों वाला नाटक चलता है, माँ भाग कर आती है, मैं ही नहलर देता हूँ, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नाटक करती है, रोज का नाटक है ये तो, मैं तो इसके इस नाटक से थक गया हूँ। चांस मिला तो इतनी बड़बड़ कर रहा है, मेरा भी टाइम आने दे फिर बताती हूँ। माँ पहले इसकी शादी करके इसे यहाँ से भगाओ, जब वो टाइम आएगा तब मैं खुद चली जाऊंगी, तब तक तुम अपना मुँह। वो दिन जल्दी आए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करोगे? माँ ये बात तुम इस भूत से कहो। क्या, मैं भूत हूँ? बहन से ऐसे बात करते, तुझे तो मैं सब तेरी वजह से मुझे मारेगी। अनु चुप करना, पापा का फोन आया है, बात करना। हेलो, हाँ पापा, माँ यही है, देती हूँ। हेलो, तुझे तो मैं बात नहीं। हाँ बोलिए ना, क्या है? ठीक है, हाँ रेडी रहूंगी। ओके बाय। पापा ने फोन क्यों किया था माँ? कोई एक घर सेल के लिए है, देख कर आते हैं ऐसे कह रहे थे। ओ माँ, हाँ? हमें घर क्यों चाहिए, ये घर भी तो अच्छा है ना। ये घर अपना है क्या, गवर्नमेंट का है ना, अपना खुद का एक घर चाहिए ना, इसीलिए हम लोग देख कर आते हैं। ठीक है माँ। माँ कॉलेज की छुट्टियाँ जब से लगी है तब से घर बैठे बोर हो गई हूँ, प्लीज मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ। माँ मैं भी साथ चलूंगा, प्लीज प्लीज मैं भी साथ चलूंगा ना माँ। ओके 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 ठीक है, लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पर तुम लोग झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है? ये ठीक है, ठीक है, तू जल्दी उठ के तैयार हो जा, तुझे भी नाश्ता देती हूँ, तू जल्दी तैयार हो जा, सब लोग वहाँ पर चलते हैं। हाँ ठीक है। माँ घर कहाँ है? कहीं महाबलेश्वर में है कह रहे थे, बंगले का नाम हाँ डायना हाउस कहते हैं। ओ डायना हाउस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बलराम उर्फ BMW बलराम। वो हमेशा BMW कार में चलता है, इसीलिए बहुत लोगों को ये लगता है कि उसका नाम ही BMW है, लेकिन वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने में एक्सपर्ट है, इसीलिए उसका नाम BMW बलराम है, किसी को पता नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन और नेता लोग अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए इस BMW बलराम का सहारा लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, और उसी तरह ये BMW बलराम भी उन बड़े लोगों से रिश्ते अच्छे बनाकर राजनीति में उतरकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। और हमारी बेचारी मासूम जनता बलराम के विषय में कुछ जाने बगैर ही बलराम को भगवान मानती है और ये उसी का फायदा उठाता है। असल बात तो यह है कि इस BMW बलराम ने अपना कोई भी धंधा छोड़ा नहीं है, ये है उसकी असलियत। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि बलराम पर छापा मारकर उसे पकड़ लिया जाए, लेकिन उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिल रहा है। हमने उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो ये है। इतनी डिटेल काफी है सर, आई विल टेक इमीडिएट एक्शन। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सर। मैंने आपको पहचाना नहीं सर। सहदेव नायक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाम तो बहुत सुना था लेकिन इतनी जल्दी दर्शन होंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। क्या है कि शनि देव के दर्शन कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, पर जब समय आ जाता है तो वो खुद पहुंच जाते हैं। सर्च वारंट बॉयज। सर। यहाँ वहाँ ढूंढ के क्यों अपना टाइम बर्बाद करें सर? अरे साहब, मेरे कमरे में बंधा हुआ धागे से लेकर मेरे पास हर एक चीज का हिसाब पक्का है, इसलिए हर साल मैं सरकार को 70 लाख रुपए इनकम टैक्स भरता हूँ। मेरे पास इन सब का पक्का हिसाब है, समझ गए ना सर? पूरा घर छान मारा पर कुछ नहीं मिला सर। आखिर आपने अपना टाइम बर्बाद ही किया, अब तो समझ गए ना। बलराम। बोलो साहब। पता चला है कि तुम्हारी गाय बहुत दूध देती है। बलराम, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने तुम्हें कैसे पकड़ लिया। करोड़ों रुपए खर्च करके तुमने ये इतना खूबसूरत घर बनाया और उसके ठीक सामने माथे पर तिलक की तरह जरूरत ना पड़ने पर भी तुमने एक तबेला बनाकर खड़ा कर दिया। उसके अलावा अंदर दोनों कैमरा एक ही जगह फोकस कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? सुनिए, वहां का सारा पैसा तुम रख लो, कम लगा तो बोल देना, जितना चाहिए दे दूंगा, बस मुझे अरेस्ट मत करना। इतना ऊपर आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले ये मैं ही जानता हूँ। समाज में मेरा एक नाम है, एक रुतबा है, उसको तुम खराब मत करना। इतने दिनों तक अच्छे इंसान बनने का जो तुम नाटक करते आ रहे थे, उस नाटक का आज मैं पर्दा गिराने वाला हूँ। तू मेरे दामन पे दाग लगा के मुझे बुरा इंसान साबित करेगा, लेकिन मुझसे टकराने का परिणाम क्या होगा तुझे नहीं पता है। ए, मैं तुझे दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ। इंस्पेक्टर।